क्वेश्चन इन वीडियोस पे वेनम लाइक टेंड्रिल्स कैसे बनाए चलो देखते हैं तो सबसे पहले हम ब्लेंडर ओपन कर लेते हैं अब ब्लेंडर ओपन करोगे तो पहले से कुछ सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे इन्हें सेलेक्ट कर पहले आप डिलीट कर लेते हैं पहले हमें अपना चाहिए मॉडल तो मॉडल के लिए हम जाते हैं पहले तो ब्राउजर पे और यहाँ जाते हैं स्केच फेम डॉट कॉम और यहाँ सर्च करते हैं शो वन है आपको जो भी ऐड पसंद आए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि ये, ये सेलेक्ट करके कर देखते हैं या आप नीचे डाउनलोड थ्री मॉडल क्लिक करना है फिर जी फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना है ये डाउनलोड कर लीजिए मैंने पहले एक डाउनलोड करके कर कर रखा है तो मैं नहीं करूँगा मैं सिंपली उसे या फाइल्स में जाके इंपोर्ट में जा कर एल टी एफ टू पॉइंट टू यहाँ जा डाउनलोड्स पे मेरा मॉडल हैंड प्लास्टर ये इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले मैं तो इसकी कुछ जोमेट्री सही नहीं लग रहे है तो पहले मैं इसे अलग अलग पार्ट्स हैं तो इसे मैं पहले कंट्रोल जी दबा के ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि ये सिंगल हो जाए ये कर्सर सेलेक्ट कीजिए और इसे हम इसके नेक पर प्लेस कर दे के बाद आप कुछ से ही एडिट्स में जाके प्रेफरेंसेस और अगर आप पुराना वर्ज़न इसका यूज़ हैं तो आपको एड ऑन पे मिल जाएगा अगर नया वर्ज़न फोर पॉइंट टू पॉइंट थ्री है तो आपको यहाँ गेट एक्सटेंशंस पर आई वी वायर सर्च करना है और यहाँ पे आपके इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा और एडवांस पे जाके आई वी ये इनेबल कर देना यहाँ से सेव सेव प्रेफरेंसेस भी कर देना ताकि ये सेव हो जाए और फिर यहाँ वापस आके एन क्लिक करना और फिर आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दी जाएगा क्रिएट में जाना आई वी जर आपको कुछ वैल्यूज दिख जाएंगे इसमें से कुछ वैल्यूज हमें चेंज करनी है जैसे कि मैक्स आई वी लेंथ ये बेसिकली आपके ब्रांचेस कितने होंगे उसको डिटरमाइन करता है तो मैं इसे रखता हूँ पॉइंट जीरो वन ये होगा उतना ज्यादा ब्रांचेस होंगे जितना ज्यादा इस इनकेस करोगे उतने कम ब्रांचेस बनेंगे एंड एडिशन वेट को हम कर देते हैं पॉइंट टू फाइव ताकि स्टिक रहे अपने सरफेस से और ब्रांचिंग प्रोबेबिलिटी को हम कर देते हैं वन ताकि अच्छे से निमेंट भी हो जाए जनरेट करके कर देखते हैं तो कुछ ऐसा ही जनरेट हुआ है से टेंडल्स अभी भी बाहर निकल रहे हैं बाहर की ओर जा रहे हैं तो इसे फिक्स करने के लिए हमें एक मोडिफायर ऐड करना पड़ेगा फिर यहाँ पे जाकर मोडिफायर्स में डिफॉर्म में जाके सिंग और मोडिफायर ये ऐड करके टारगेट में अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लेना है तो ये हो गया है और फिर इसे अप्लाई कर लेना है पहले तो, तो ये सही से अप्लाई हो गया है। अब सारे तो सिंपली फिर एक और को सेलेक्ट करके आप जोमेट्री से आकर देख सकते हैं अगर हम ये इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो ये ग्रो कर रहा है तो अभी भी ये सही से नहीं बनाया यहाँ पे कुछ कमी लग रही है तो इसको फिक्स करने के लिए पहले हम एक बेंजर का जी एक्स दबा के से थोड़ा साइड ले जाते हैं और डाटा प्रॉपर्टीज में ज्योमेट्री में टेपर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इस कार को सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आ जाएगा ये फिर एडिट मोड में जाकर इसे स्केल अप करेंगे वाई एक्सिस पे ओके okay. तो ना ये रेडियो गया अच्छी इसमें अभी भी एक चीज़ कमी खेस इसके एंडिंग्स पे कल नहीं आ रहा तो ये हमें मैप के ऊपर ऑन करना पड़ेगा इसके इस कल बस एंडिंग्स नहीं हो जाए तो फिर बस इसके बाद हमें इसमें कुछ मटेरियल्स सेट करना है जैसे कि मटेरियल्स में जाकर न्यू मटेरियल जैसे नाम दे देते हैं वैन ट्रांसमिशन में जाकर इसे पूरा हाई कर देते हैं नहीं पॉइंट सेवन फाइव ठीक है लेते हैं एंड बेस कलर पे जाके वैल्यू को पॉइंट वन कर लेते हैं एंड रेंडर uh, में जाके ईवीस को साइकिल में कर लेते हैं जीपीओ को CPU को जीपीओ कंप्यूटर पे और फिर ये चेंज करके देखते हैं कि हमारा मटेरियल अच्छे से लग जाए कि नहीं लगा अच्छे से लग गया है तो अभी हमें एक प्लेन क्रिएट करना है और कुछ लाइट सेट करने तो सिप्टी दबा कर मैच हमारा प्लेन क्रिएट हो गया तो एडिट मोड में जाकर यहाँ से एडिट मोड में जाकर लास्ट के इसके दो पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए और ई e, जेड दबा कर इसे ऊपर खींचिए तो ये एक्स्ट्रूट हो जाएगा ऊपर के साइड तो इतना ठीक है हमारे लिए तो इतना कर देते हैं उसके बाद दोबारा से दो पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन बेवल का तो बेवल को क्लिक खींचिए इससे लेफ़्ट क्लिक करके अपने साइड खींचिए तो ये कुछ ऐसा बनेगा और इसके यहाँ पे पेबल्स के वैल्यू में जाकर सेगमेंट्स को सिक्स कर देते हैं हम और फोर पॉइंट टू फाइव कर देते हैं इतना काफ़ी है तो बस ये दोबारा एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं हमारा ये और इसे राइट क्लिक करके इसे स्मूथ कर लेते हैं अब हमें चाहिए हमारे स्क्रीन में कुछ लाइट्स तो सिप्टे दबाकर सिंपली यहाँ से हम एक पॉइंट लाइट उठा लेते हैं जी दबा कर जी जीजर दबाकर इसे ऊपर कर लेते हैं जय इतना सही लग रहा है जी एक्स तो आगे से थोड़ा राइट पालाते हैं और यहाँ पे डाटा लाइट के वैल्यू पे हैं इसके रेडियस को थोड़ा इंक्रीज करते हैं लाइक पॉइंट वन फाइव इतना ठीक है ताकि सॉफ्ट स्टैंड बने नीचे में और एक और लाइट चाहिए होगा में शिफ्ट दबा के लाइट स्पॉट लाइट स्पॉट लाइट इसे दबा के सभी ऊपर कर लेते हैं एक्स वाई ठीक इंटर इधर लेते हैं और आर क्लिक करके फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव के डायरेक्ट हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आए और जेड पे लेकर आर्क फोर्टी फाइव ताकि फोर्टी फाइव के एंगल से हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आए लाइट इसका तो ये सही लग रहा है कुड़ा सीख से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से परफेक्ट की वैल्यू को पावर भी इनक्रीज करते हैं में ये सही लग रहा है उसके बाद लाइट्स क्रिएट हो गया हमारा बैकग्राउंड भी आ गया अब चाहिए हमें एक कैमरा सिप्टी दबा कर या नीचे में कैमरा का ऑप्शन आएगा कैमरा उस कैमरा क्लिक कर लेते हैं और अब ये है तो इसे हमें वोटिकल चाहिए तो यहाँ पे जाकर कर इसके आउटपुट पे जाकर इसकी रिजोल्यूशन को चेंज कर लेते हैं नाइनटीन ट्वेंटी को वन जीरो एट जीरो एन वन जीरो एट जीरो नाइनटीन ट्वेंटी तो ये वो टिकल हो जाएगा ना इस दबा के ऊपर ला लेते हैं पीछे के साइड और इस दबा के थोड़े से स्केल डाउन कर लेते हैं ठीक कैमरा स्टैंड वगैरह में जाकर इसे दोबारा सेट कर लेते हैं सी वाई तो ये हो गया लाइक डन ह तो सिंपली हमें अब इसे राइट फिंग लेफ्ट क्लिक करके ऊपर तो ला लेते हैं तो टेंड्रस को क्लिक करके डाटा प्रॉपर्टीज़ में जाकर हमें स्टार्ट एंड मैपिंग में इसे प्रेस करने से ये ग्रो होता है तो इसमें हमें ग्री फ्रेम लगाना है तो पहले फ्रेम पर आ जाते हैं हम एंड यहाँ पे डॉट वाले कीप फ्रेम को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा पहला की फ्रेम लग गया तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं ताकि यहाँ पे ये ज़ीरो हो, उसके बाद हम आ जाते हैं लाइक हंड्रेड तो फ्रेम स्पेन, और इसकी वैल्यू इनक्रीज कर देते हैं वन तो यहाँ पे ये हंड्रेड फ्रेम्स पे पूरा ग्रो हो जाएगा अब इसे पीछे करके देख सकते हैं कि ये कैसा ग्रो हो रहा है एक बार देख लेते हैं परफेक्ट बस अब हमको कुछ नहीं करना है फाइल को सबसे पहले सेव कर लेते हैं फाइल्स में जाना है सेव एस मैंने पहले सेव करके रखा है अब सेव कर लीजिए यहाँ पहले यहाँ पे उसके बाद चाहिए आउटपुट पे आउटपुट पे सेलेक्ट कीजिए अपना जो भी लोकेसन जहाँ पे आप किसी सेव करना चाहते जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर दिया इसके बाद आप पी एन जी एन बेस्ट है तो मैं सजेस्ट करूँगा पैक यूज़ करने के लिए क्वालिटी को हंड्रेड परसेंट रख देते हैं अब फ्रेम्स देख लीजिए आपके फ्रेम्स सही है आप तो उसके हिसाब से ये टिप हो जाएगा अरे हमें कैमरा भी थोड़ा एनिमेट करना है ताकि तो बोरिंग ना लगे, तो कैमरा को सेलेक्ट करके फेम वन में जाकर पहले आई दबा कर यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लेते हैं उसके बाद हंड्रेड फ्रेम्स में वापस जाकर जी वायर एंड थोड़ा पीछे इतना ठीक है देन अगेन आई तो ये हमारा कैमरा मूवमेंट आ गया है जेंडल्स पे जाकर पहले आप इसके नोइस रिशोर्ट्स में मैक्स चम्पल्स में से आप लाइक सिक्सटी फोर कर दीजिए सिक्सटी फोर इज बेस्ट फॉर दिस एंड लाइट पाथ्स में जाकर डिफॉल्ट फोर एंड से फास्ट ग्लोबल इसमें ला रहे थे। ताकि ये रेंडर सही से, से फास्ट हो आप तो रेंडर एनिमेशन में रेंडर कर दीजिए आपका एनिमेशन रेडी हो जाएगा